नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। खबर नरवर से मिल रही है, जहां नरवर से नायब तहसीलदार आशीष यशवाल के द्वारा बाइक चालक मास्क न लगाते हुए पाए गए, उन पर माधव चौक नरवर में चालानी कार्रवाई की गई। लोगों को उसी के चलते तहसीलदार ने बताया कि कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार जैसे कि व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, जैसे कि मास्क नहीं लगाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना किया जाए, लोग इसकी वास्तविकता को समझ सकें, कोरोना जैसी महामारी से बचाव कर सकें। लगभग माधव चौक नरवर पर जो लोग मास्क नहीं लगाते पाए गए, उनकी गाड़ियों के चालान काटे गए। साथ साथ जो लोग मास्क नहीं लगाए हैं, उनको तहसीलदार के द्वारा मास्क भी दिए जा रहे हैं। लोगों से अपील भी की जा रही है कि घर से निकले तो आप मास्क लगा कर ही निकले। हिंदुस्तान टुडे के लिए धर्मवीर सिंह कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? जैसे कि आप लोगों के गाड़ियों के चालान कर रहे हैं, तो उसमें किस कारण से चालान किए जा रहे हैं? कलेक्टर महोदया जी का आदेश है कि यदि कोई आपदा प्रबंधन अधिनियम और महामारी अधिनियम का उल्लंघन करता पाया जाता है, यदि मास्क नहीं लगाता है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करता है, तो उस पर जुर्माना किया जाए, ताकि लोग इसकी वचनता को समझ सकें और कोरोना जैसी महामारी से हम अच्छी तरह से बचाव कर सकें। कितने लोगों के चालान कर दिए हैं सर आपने अभी तक? अभी लगभग 6 लोगों के किए जा चुके हैं और अभी भी हम लोग जो भी पाए जा रहे हैं उनका निरंतर हम चालान कर रहे हैं। जैसे कि सर क्या समझाइश दी जा रही है चालान करने के बाद लोगों को? चालान करते हुए हम उनको मास्क भी दे रहे हैं, उसकी औचित्यता को बता रहे हैं कि आप मास्क लगा के रहेंगे और दूसरों को भी बताएंगे तो इससे आपका भी बचाव होगा और अन्य व्यक्तियों का भी बचाव होगा, तो हम मास्क भी देते जा रहे हैं चालान करने। कितने का चालान कर रहे हैं सर आप गाड़ियों पर? ये जो व्यक्ति बिना मास्क लगाए हुए पाया जाता है उस पर आदेशानुसार 100 रुपये का